इम्यून सिस्टम का क्या रोल है। तो उसमें आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ह्यूमन बॉडी, इंसान का शरीर कहां से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है। ये शुरू होता है सेल से, एक आदमी की कोशिका औरत की कोशिका, वो दोनों मिलती हैं, डिवाइड होती हैं, विभाजन होता रहता है और बहुत सारी सेल, जब अरबों खरबों सेल्स हो जाती हैं तो उसके बाद कुछ सेल्स मिलके कुछ टिश्यूज बनाती है, वो बहुत सारे टिश्यूज मिलके वो फिर कई अंग बनाती है, ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन जब मिल जाते हैं तो वो एक सिस्टम बनाते हैं जैसे कि, और वो फिर बन जाता है ह्यूमन बॉडी। फिर ह्यूमन बॉडी के जो अलग अलग सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन, ये अलग अलग सिस्टम है जो ह्यूमन बॉडी के, जो सारी सेल्स मिलके ये काम बनाते हैं, ये सिस्टम अलग अलग बनाती हैं, और वो अलग अलग सिस्टम अपना अपना रोल एडॉप्ट कर लेते हैं जो कि उनको नेचर ने, भगवान ने दिया था। आप इसे समझ सकते हैं कि ये सब कुछ शुरू हुआ था एक कोशिका से, जो कि इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि आपकी उंगली का एक टिप है, उसमें लाखों कोशिकाएं होती हैं, और वो कोशिका जैसे जैसे बढ़ती जाती है, इतने फंक्शन करती है, तो इसमें आप मानेंगे कि नेचर की पावर क्या, भगवान की पावर क्या। अब ह्यूमन बॉडी जब बन जाता है तो वो कितनी जबरदस्त मशीन है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये ह्यूमन बॉडी है जिसको एक मशीन के रूप में दिखाया गया है, इसके अंदर ये हमारी दिमाग है, दिमाग के अंदर ये अलग अलग कंपार्टमेंट है, फोटोग्राफी डिपार्टमेंट जहाँ देखते हैं, ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, हम जहाँ सुनते हैं, माइंड है, जनरल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो सब तालमेल पर काम करते हैं, और ये हमारा लिवर है, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा हार्ट, ये हमारा दिल है, ये लाल वाला साफ खून है, ये नीला वाला गंदा खून है। और ये गलती से मेरे हाथ लग गया, ये वापस चला गया। तो जैसे टीवी में बोला जाता है रुकावट के लिए खेत है, तो दोबारा से थोड़ा सा मैं वापस जा रहा हूँ। फेफड़ों में जाता है, यहाँ से फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों में साफ होके ये दिल में वापस आता है, फिर बाकी हमारे शरीर को चलाने का पेट्रोल खाना जो खाते हैं, और पाँच क्रिया हमारे पाँच इसके बाद थोड़ा सा खाना डाइजेस्ट करके ये पेट में पहुँचता है, या अगर कई तरह के जूस रस जल खाने को पकाते हैं, दिलाते हैं, और यहाँ पर जब पेट में ये काम हो जाता है उसके पेट के आगे एक तरह का चौकीदार खड़ा होता है, ये दरवाजा खोल देता है, ये पका हुआ खाना हमारी आंखों में पहुँचता है, आंखों में दुख के ग्रुप कई तरह के जूसे करते हैं, ये जूसे दूध खाने में और भी पिकाई करते हैं, और उसमें जो काम निकलते हैं वो लिवर में पी जाते हैं, और जो बाकी जो फालतू सामान है ये बाल होता है, ये फालतू सामान बाहर निकल जाता है और वो बाल बनता है, उसका एक ये चीज़ें बनते हैं लिवर, लिवर से उन चीज़ों में से प्रोटीन अलग करता है, कार्बोहाइड्रेट अलग करता है, फैट अलग करता है, विटामिन अलग करता है, और उसको अलग करके शरीर के अलग अलग हिस्सों में नलियों के द्वारा शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाता है, और जब हमारे शरीर की कोशिकाएं हमारे शरीर की हम इस खुराक से काम करते हैं। हर सोचने की बात है, अगर ये अच्छी खुराक हमारे शरीर में पहुँचेगी, हमारी कोशिकाओं में पहुँचेगी, तभी हमारा शरीर से काम कर पाएंगे, तभी हमारी कोशिकाएं से काम कर पाएंगे, बल्कि आज के दिन में नहीं मिल रही। अब इसमें हमारे शरीर में जो सबसे बड़ा सिस्टम था वो है इम्यून सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है इम्यून सिस्टम। एक मिनट,
इम्यून सिस्टम जो कि दुनिया का सबसे बढ़िया डॉक्टर है। हमारे अंदर प्रकृति ने, नेचर ने ये एक डॉक्टर बिठाया। हर एक शरीर का अपना अपना पर्सनल डॉक्टर, जिसको बोला जाता है इम्यून सिस्टम। और अगर वो इम्यून सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है तो हमारा शरीर दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमको किसी बाहर के डॉक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी हमारे शरीर में बीमारी आएगी। इम्यून सिस्टम के तीन इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं। सबसे पहला होता है बायो इंटेलिजेंस, कि इसमें इतनी अकल है, इतना दिमाग है कि ये सोचता है कि हमारे शरीर में कौन सी काम की चीज है और कौन सी बाहर सी चीज आई है जो कि शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, उसको पहचानता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है। वो होती है, इसको बोलते हैं बायो इंटेलिजेंस। उसके बाद जब ये पहचान कर लेता है कि बाहर से कोई गलत सामान, गलत चीजें, हमारे टॉक्सिन हमारे बॉडी में आए हैं, तो उसको हमारे बॉडी की कुछ सेल्स होती हैं, उनको फैगोसाइट्स बोलते हैं, वो उनको खा लेती हैं, उनको स्वॉलो कर लेती हैं, और स्वॉलो करके ये उनको स्वॉलो कर लेती है, हजम कर लेती है। उनको स्वॉलो करने के बाद फिर तीसरा रोल सामने आता है, उसको बोलते हैं कीमोटैक्सिस, कि वो जो कचरा है, जो टॉक्सिन है, उसको केमिकली ये ब्रेक डाउन करते हैं, और केमिकली ब्रेक डाउन करके उसको हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ताकि हमारा शरीर फिर से दुनिया का सबसे बढ़िया डॉक्टर बना रह सके। इम्यूनिटी में कई लेवल की होती है। सबसे पहले तो जो बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है। अगर माँ का गर्भ के दौरान उससे अच्छी खुराक ली है, अच्छे सप्लीमेंट ली है, तो पैदा हुए बच्चे की इम्यूनिटी इतनी बढ़िया होगी कि उसको कुछ महीनों तक किसी तरह की कोई बीमारी नहीं आएगी। ब्लड के लेवल की इम्यूनिटी होती है, फिर ये सेल लेवल की इम्यूनिटी होती है, और ये सब मिलके बनाते हैं शरीर का सबसे बढ़िया डॉक्टर। जब बीमारी होती है, क्यों होती है? हमारे ब्लड में हम जो खाते हैं, क्षारीय खाना या अल्कलाइन या एसिडिक खाना, जब एसिडिक खाना खाते हैं तो हमारे अंगों को नुकसान होता है, क्योंकि हमारा बॉडी को 7.2 से लेकर 7.3 तक का अल्कलाइन खाने की जरूरत होती है, उस पर शरीर ठीक से काम करता है। लेकिन आजकल हम क्या खाते हैं, टीवी पे देखते हैं, ये प्यास है बड़ी, दिल मांगे मोर, पेप्सी कोला, कोका कोला, ये दे आर प्योरली एसिडिक। उनका पीएच लेवल लगभग 3-4 के करीब होता है, और जब हम वो पीते हैं हमारे बॉडी का पीएच भी गिर जाता है, तो जिससे वो सेल डैमेज हो जाती हैं, इम्बेलेंस हो जाता है, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे न्यूट्रिशन जो हम खाना खाते भी हैं, जो भी चाहे घटिया खाते हैं, अच्छा खाते हैं, जितना कुछ भी खाते हैं, और ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता, तो हमारे शरीर को वो खाना नहीं मिलता। अब जब किसी कोई बीमारी आती है तो इंसान दवाई खाता है, और दवाइयां उनका क्या रोल है हमारे बॉडी में? सबसे पहले तो वो एक पर्टिकुलर बीमारी की अलग अलग दवाई होती है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसकी दवाई अलग है, किसी को लो ब्लड प्रेशर है तो उसकी दवाई अलग है, किसी का थायराइड ज्यादा काम करता है तो उसकी दवाई अलग है, जिसका थायराइड कम काम करता है उसकी दवाई अलग है, किसी को पेट में एसिडिटी है उसकी दवाई अलग है, किसी का ब्लड प्रेशर है उसकी दवाई अलग है। इस तरह हर चीज की अलग अलग दवाई है, यानी कि जो अंग्रेजी दवाई है वो बीमारी के मुताबिक स्पेसिफिक होती हैं। और ज्यादातर जो दवाइयां हैं वो सिर्फ बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती हैं, सिर्फ बीमारी के लक्षण को ठीक करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, किसी मरीज को ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उसको ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई दी जाती है। वो दवाई खाने से इसमें कोई शक नहीं, उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन वो ब्लड प्रेशर बड़ा क्यों था, उसका क्या कारण है, उस कारण के ऊपर उस दवाई का कोई रोल नहीं है। वो तो सिर्फ उस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करेगी, या जो ब्लड प्रेशर कम है उसको ज्यादा करेगी, डिपेंडिंग कि कौन सी दवाई उसके लिए दी जाती है। फिर जितनी भी अंग्रेजी दवाई खाई जाती है, मैं एक अंग्रेजी दवाई के डॉक्टर हूं, मैं 45 साल से अंग्रेजी दवाई की प्रैक्टिस करता रहा हूं, और जानता हूं कि अंग्रेजी दवाइयों के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। मुझे याद है जब मैं एलोपैथिक प्रैक्टिस किया करता था, अब तो खैर 18 साल हो गए, वो बहुत कम करता हूं, जब मैं अंग्रेजी दवाई की प्रैक्टिस किया भी करता था तो मैं लोगों को, अपने मरीजों को दवाइयां लिखने में बहुत कंजूस हुआ करता था, क्योंकि मुझे मालूम था उनके बहुत साइड इफेक्ट हैं, तो मैं उनको बोला करता था कि आप कोई ये एक्सरसाइज कर लो, ये परहेज कर लो, उस तरह से बीमारियां ठीक करो ताकि दवाइयां ना खानी पड़े, क्योंकि उनके बहुत कई तरह के साइड इफेक्ट होते हैं, और उन साइड इफेक्ट से और कई तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। फिर आजकल के जमाने में क्या है,
किसी इंसान को कोई छोटी मोटी बीमारी होती है, वो सीधा स्पेशलिस्ट के पास जाता नहीं है, पहले किसी गली मोहल्ले वाले केमिस्ट के पास जाता है। अब केमिस्ट को दवाइयों की दवाइयों ने बॉडी में काम कैसे करना है उसको कोई नॉलेज नहीं है, तो उसने तो किसी डॉक्टर के पास कुछ देर के लिए काम किया था, तो वो समझने लगा कि वो डॉक्टर बन गया। तो कोई मरीज उसके पास गया तो उसने दो तीन दवाइयों का कॉम्बिनेशन बना के उस मरीज को दे दिया। उसको ये नहीं पता कि वो जो दो तीन दवाइयां उनके आपस में भी रिएक्शन होंगे, और आपस में रिएक्शन होने से कई तरह के अंदर नुकसान हो सकते हैं, जिसके वो आने वाले शरीर के अंगों को और सेल को डैमेज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी मरीज को अगर स्टीरॉयड बहुत ज्यादा खिलाया जाए, स्टीरॉयड दवाई होती है एक, वो एक इमरजेंसी के लिए दवाई होती है। जब मरीज को बहुत ज्यादा तकलीफ हो, दूसरी दवाई काम नहीं करती, शरीर काम नहीं कर रहा, तो जब तक दूसरी दवाई अपना काम करने या डॉक्टर प्रॉपर उसकी दवाई ढूंढे, तब तक उस मरीज को स्टीरॉयड दिए जाते हैं ताकि वो थोड़ी देर के उसको सहारा मिल जाए, वो जादू की तरह काम करते हैं। लेकिन आजकल के छुटपुट के डॉक्टर, जो गली मोहल्ले वाले डॉक्टर, वो हर मरीज को ज्यादातर स्टीरॉयड दे देते हैं, और ज्यादा स्टीरॉयड खिलाने से ज्यादातर लोग आज गुर्दे डैमेज हो रहे हैं। और आज आप किसी भी गुर्दे के अस्पताल में जाके देखो, आज छोटे छोटे बच्चों के डायलिसिस हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के गुर्दे फेल हैं और उनके डायलिसिस हो रहे हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। इसका कारण है कि बिना मतलब के ऐसी दवाइयों के कॉम्बिनेशन दिए जाए जिनका उन लोगों को, छोटे मोटे डॉक्टर को पता नहीं है, और वो अंगों को नुकसान करते हैं। अब इतनी जब दवाएं दी जाती हैं तो नेचुरली बॉडी के इम्यून सिस्टम को तो नुकसान करेंगी। आफ्टर इम्यून सिस्टम की भी तो कोई सीमा है, अगर उसको सीमा से ज्यादा, उसको उसकी सहन शक्ति से ज्यादा उसको नुकसान किया जाए तो अल्टीमेटली उसको भी तो नुकसान होगा, और धीरे धीरे इम्यून सिस्टम जो अंदर का डॉक्टर है वो भी कहता है भाई अब मैं क्या करूं, अब ये मेरे से बाहर हो गया, और वो फिर थोड़ी देर तक वो भी सो जाता है। अब ऐसे में हिपोक्रेटिस एक आदमी हुआ है आज से लगभग 2500 साल पहले, जिन्होंने ये मॉडर्न मेडिसिन की शुरुआत की थी। शुरुआत तो उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन की थी, एलोपैथिक दवाई की थी, लेकिन उन्होंने साथ में कहा क्या था कि हमारे अंदर की जो प्राकृतिक ताकत है वो ही बीमारी को ठीक कर सकती है, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है असली बीमारी को वही ठीक कर सकता है। ये जो दवाइयां जो आपको बताई हैं ये सिर्फ उसकी हेल्प कर सकती है, और अगर इम्यून सिस्टम हमारा ठीक है तो हमारा शरीर एक ढाल की तरह है। ये मैं नेचुरल फोर्सेस की आपसे बातें करूं, मीन्स यहां पर मैं आपको दो उदाहरण देना चाहूंगा। आप सोचो किसी इंसान को कोई चोट लग जाती है, उसकी चमड़ी के ऊपर एक कट लग जाता, घाव हो जाता, कोई शीशा लग गया, कोई चाकू लग गया, कोई कट लग गया, तो वो चमड़ी वहां से खुल जाती है। तो वो मरीज किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं उनको कि भैया ये जख्म है, चमड़ी है, इसके ऊपर टांके लगाने पड़ेंगे। तो मरीज तो उसके रिश्तेदार तो बोलेंगे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वही एक तरीका है। तो डॉक्टर उसके ऊपर टांके लगा देते हैं, टांके लगा के उसके ऊपर पट्टी वट्टी बांध देते हैं, और मरीज को बोलते हैं कि भैया 7 दिन के बाद आना, 10 दिन के बाद आना, ये टांके खोले। अब अगर वो डॉक्टर जिसने टांके लगाए हैं अगर वो बढ़िया डॉक्टर है तो एकदम से जख्म क्यों नहीं ठीक हो गया, उसको 7-10 दिन क्यों लगे? क्योंकि अंदर के डॉक्टर को वो चमड़ी जो वहां पर कटी हुई है वहां की सेल्स को, कोशिकाओं को रीजेनरेट करने के लिए 7 दिन या 8 दिन या 10 दिन लगेंगे। अगर वो टांके नहीं लगाएंगे, वो चमड़ी अगर खुली रहेगी तो शरीर ठीक तो फिर भी कर लेगा, लेकिन फिर हो सकता है उसको 7 दिन की जगह हो सकता है 7 महीने लग जाए, जगह फिर भी भर जाएगा, लेकिन वहां पर बहुत बड़ा दाग पड़ जाएगा, स्कार हो जाएगा। वो डॉक्टर ने तो क्या किया है, वो टांके लगा के जो दोनों कटे हुए हिस्से हैं उनको एक दूसरे के नजदीक कर दिया ताकि अंदर का डॉक्टर अपना काम तसल्ली से आराम से कर सके, और 7 दिन के बाद या 10 दिन के बाद जब वो घाव पट्टी उसके ऊपर खोली जाती है तो जख्म जुड़ा हुआ होता है। तो क्या जख्म वो टांके लगाने वाले डॉक्टर ने जोड़ा है? नहीं, ये हमारे उस अंदर के डॉक्टर ने जोड़ा है। यहां पर मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। कोई इंसान गिर जाता है, कोई उसका छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी एक हड्डी टूट जाती है, मान लो बाजू की हड्डी टूट जाती है, ये उसकी ये बाजू की हड्डी यहां से टूट जाती है। अब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसका एक्सरे करते हैं और एक्सरे करके बोलते हैं भैया ये तुम्हारी हड्डी टूटी हुई है, इसको प्लास्टर लगाने पड़ेगा। जब वो एक्सरे करते हैं वो देखते हैं हड्डी के जो दो टुकड़े हैं ऐसे एक दूसरे के सामने, ऐसे एक दूसरे के सामने, ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं,
तो डॉक्टर क्या करते हैं, अपने किसी असिस्टेंट को बुलाते हैं, असिस्टेंट एक इधर से खींचता है और दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के सामने करते हैं, एक दूसरे के सामने करके उसके ऊपर प्लास्टर लपेट देते हैं। और प्लास्टर लपेटने के बाद वो डॉक्टर क्या बोलते हैं उस मरीज को, आप 6 हफ्ते के बाद आना, ये प्लास्टर खोलेंगे। अगर वो हड्डी का डॉक्टर सबसे बढ़िया डॉक्टर है तो 6 हफ्ते उसको इंतजार करने की क्या जरूरत है, उसने तो वो टूटे हुए हिस्सों को जो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे एक दूसरे के सामने लगाया ताकि अंदर का डॉक्टर को काम उसको जोड़ सके, और उसके प्लास्टर लपेट दिया ताकि वो टुकड़े हिले ना, ताकि हमारा बॉडी उसके अंदर जो नई सेल पैदा करेगा उनको जोड़ने के लिए उसको वो हिले ना और वो हड्डी जोड़ सके। और 6 हफ्ते के बाद जब वो खोलते हैं तो हड्डी जुड़ी हुई होती है, तो क्या ये बाहर के डॉक्टर ने जोड़ा? नहीं, ये हमारे अंदर के डॉक्टर ने जोड़ा। अगर अगर वो अंदर का डॉक्टर पूरी तरह से सक्षम है तो कई बार क्या होता है, मैं अपने 40 साल के तजर्बे में बहुत बार देख चुका हूं, खोला जाता है 6 हफ्ते के बाद जब उसका प्लास्टर खोलते हैं, एक्सरे करते हैं, देखते हैं जी हड्डी जुड़ी नहीं, बीच में फिर से गैप है, तो डॉक्टर फिर प्लास्टर करते हैं और बोलते हैं अभी 6 हफ्ते और प्लास्टर लगाना पड़ेगा। फिर 6 हफ्ते बाद खोलते हैं, फिर एक्सरे करते हैं, हड्डी जुड़ी नहीं होती, फिर 6 हफ्ते का प्लास्टर लगाना पड़ेगा। और इस तरह मैं कई बार देख चुका हूँ, कई मरीजों को 8-8, 10-10 महीने, 1-1 साल तक प्लास्टर लगता रहता है लेकिन हड्डी फिर भी नहीं जुड़ती। क्यों? क्योंकि वो अंदर का डॉक्टर सक्षम नहीं है, वो अंदर का डॉक्टर बीमार पड़ा हुआ है, वो ये काम नहीं कर सकता। तो इसमें जरूरत क्या है, उस अंदर के डॉक्टर को मजबूत करने की। सिर्फ बाहर से दवाइयां खिलाने से ये हड्डी नहीं जुड़ जाएगी, उस अंदर के डॉक्टर को मजबूत करना पड़ेगा तब वो हड्डी जुड़ेगी। और जब हमारा अंदर का डॉक्टर मजबूत होता है तो इस तरह ये इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के ऊपर एक ढाल की तरह काम करता है। एक अमेरिका के डॉक्टर हैं, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं, एलोपैथिक डॉक्टर हैं ये, वो क्या कहते हैं कि आज रिटायर होने के बाद जब ये अपनी जॉब करते थे, एम्प्लॉयमेंट में थे, नौकरी करते थे अंग्रेजी दवाइयों की, तो ये अंग्रेजी दवाइयों की प्रैक्टिस करते थे। लेकिन अब क्या बोलते हैं कि अब रिटायर होने के बाद मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि अगर आपका कोई सीरियस एक्सीडेंट हुआ है तो अस्पताल में जाने की जरूरत है, लेकिन आप अपनी बुढ़ापे तक सही जिंदगी अच्छी तरह तभी जी सकते हो अगर डॉक्टर, ये डॉक्टर कह रहे हैं। उसकी बजाय वो बोलते हैं आप न्यूट्रिशन के बारे में सोचिए, हर्बल दवाइयों के बारे में सोचिए और बाकी प्राकृतिक दवाइयों के बारे में सोचिए। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो कोई प्राकृतिक चिकित्सक अगर आपके आपको मिलता है तो उसकी राय लीजिए, जो कि पिछले खुशकिस्मती से जो 18 साल से अब मैं यही काम कर रहा हूँ एलोपैथी को छोड़। वो ये भी कहते हैं कि जितनी भी अंग्रेजी दवाइयां हैं वो सब टॉक्सिक हैं, जहरीली हैं, और वो सिर्फ बीमारी के लक्षणों को दबाने के लिए डिजाइन की गई हैं, किसी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं, सिर्फ लक्षण को दबाने के लिए डिजाइन की गई हैं, किसी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं। एक और आदमी हुए हैं दुनिया में, ऑल्डस हक्सले, बहुत मशहूर इंसान है, इनकी 2100 किताबें लिखी हुई हैं, और ये अपनी किताबों में ये क्या बोलते हैं कि मेडिकल साइंस, आजकल मेडिकल साइंस ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है, इसमें कोई शक नहीं है, पिछले कुछ दशकों में मेडिकल साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की की है, और ये ऑल्डस हक्सले क्या कहते हैं कि मेडिकल साइंस ने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है कि पूरी दुनिया में कोई स्वस्थ आदमी बचा ही नहीं है, ये मेडिकल साइंस की प्रोग्रेस है। अब जरूरत क्या है, जरूरत है कि हम अपने शरीर को, बीमारियों को, हेल्थ को एक पूर्ण तौर से देखें। पूर्ण तौर से देखने का क्या मतलब है? अगर कोई हड्डी का डॉक्टर है उसके पास मरीज हड्डी के मरीज ही जाएंगे, उसको पेट की बीमारियों के बारे में जानकारी नहीं है, उसको दिल की बीमारियों में के बारे में जानकारी नहीं है। अगर कोई मरीज पूछता है जो घुटने के दर्द के लिए गया, वो मरीज पूछता है सर मेरे पेट में तकलीफ रहती है उसके बारे में, वो बोलते हैं जी उसके लिए आप पेट और लिवर की बीमारी को दिखाओ। वो बोलता है जी मेरे को मेरे हाथ कांपते हैं, तो बोलते हैं आप इसलिए इसके लिए नाड़ियों के डॉक्टर को दिखाओ। अब अलग अलग तरह से डील करना, उससे इंसान का शरीर ठीक नहीं हो सकता। जरूरत है पूर्णतया
शरीर को पूर्णतया देखा जाए, पूर्ण पूर्ण अप्रोच। और पूर्ण अप्रोच क्या है, क्यों जरूरत है उसकी? अभी जैसे मिस्टर प्रोणा बता रही थी कि हमारा जो वातावरण है वो कई हजारों किस्मों के विषों से, विषैले पदार्थों से भरा हुआ है, जो कि हम खाने से, पानी से, हवा से हमारे अंदर जा रहे हैं और हमारे अंदर के डॉक्टर को, इम्यून सिस्टम को खराब कर रहे हैं। मेडिकल साइंस ने, जब भी मैं बता रहा था, बहुत प्रोग्रेस की है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया में बीमारियां बढ़ती जा रही। आज से कुछ साल पहले कैंसर इतना नहीं होता था, आज से कुछ साल पहले हार्ट अटैक इतने नहीं होते थे, आज से कुछ साल पहले गुर्दे फेल इतने नहीं होते थे, लेकिन आज क्यों हो रहा है? क्योंकि हेल्थ आज सही मायनों में एक रेयर चीज बन गई है, दुर्लभ चीज बन गई है। अब मैं कहूं कि दवाइयां नहीं खानी चाहिए, ये भी गलत बात है। अगर दवाइयां नहीं खाएंगे तो उससे भी मरीजों की हालत खराब होगी, क्योंकि अगर किसी मरीज को सिर में दर्द है वो तो गोली खाने से जाएगा, वो ये नहीं उसको बोले कि तुम ये लो, इसको एक साल लगे, एक साल में सिर दर्द ठीक होगा, वो तो नहीं किया जा सकता। दवाइयों की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ में जरूरत है कि हमारे जो पुराने जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, सदियों से चले आ रहे, और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन मीन्स एलोपैथी के अलावा भी और कोई चीजें हैं, उनको भी हम समझें। और आज जरूरत यही है कि ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन के पूर्ण अप्रोच हम इंसान की बीमारी के बारे में लें। पिछले कुछ सालों से एक नई टर्मिनोलॉजी बनी है, उसको बोलते हैं इंटेग्रेटेड मेडिसिन। इंटेग्रेटेड मेडिसिन का मतलब है कि किसी बीमारी के लिए हम सोचें कि सिर्फ एलोपैथी पे डिपेंड कर सकते हैं, नहीं। सिर्फ आयुर्वेदा पे डिपेंड कर सकते हैं, नहीं। सिर्फ तिब्बतन मेडिसिन पे डिपेंड कर सकते हैं, नहीं। सिर्फ यूनानी पे डिपेंड कर सकते हैं, नहीं। जरूरत है इन सब सिस्टम को आपस में मिलाने के, विलय करके फिर जिस मरीज के लिए जो चीज अच्छी होती है वो चुन के उसको दी जाए। दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम रहा है थॉमस एडिसन, जो कि आज से लगभग 250 साल पहले इस दुनिया में हुए थे। उन्होंने उस समय 150 साल पहले सॉरी उन्होंने बोला था कि आने वाले टाइम का डॉक्टर, फ्यूचर का डॉक्टर, भविष्य का डॉक्टर इंसान के शरीर को दवाइयों से ठीक नहीं करेगा, बल्कि उनको क्योर करेगा और प्रिवेंट करेगा, बीमारी को रोकेगा न्यूट्रिशन से, खुराक से, एक हेल्दी खुराक से। और आज दुनिया में आप जो लोग डीएक्स जो जुड़े हुए हैं, आप सब लोग जानते हैं क्या दुनिया में आज इसी चीज का बोलबाला है। आज से कुछ साल पहले बोलबाला था फार्मास्यूटिकल्स, अंग्रेजी दवाइयां, लेकिन पिछले लगभग 20-25 साल से न्यूट्रासिटिकल के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि खुराक से अपनी बीमारियां कैसे ठीक की जा सके, उसकी साइंस के ऊपर जोर दिया जा रहा है और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा अध्ययन किया जा रहा है। और ये थॉमस एडिसन ने आज से लगभग 150 साल पहले बोला था। कितना दूर का उनका विजन था, ये होते हैं कुछ महान लोगों का विजन कि वो बहुत दूर की बात सोचते हैं। कुछ जड़ी बूटियां होती हैं नेचर में, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं और उनमें बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू है। एक टर्म है जिसको बोलते हैं फाइटोथेरेपी। फाइटोथेरेपी का मतलब होता है कि पौधों को और पौधों से निकाले हुए जूसेस को किसी बीमारी के लिए यूज किया जाए, उसको बोलते हैं फाइटोथेरेपी। और ये ट्रेडिशनल या ऑल्टरनेट मेडिसिन का नाम भी इसको दिया जाता है। बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो कि बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाते हैं, उनके बहुत सारे नाम है। जैसे आप टी टी ऑयल देखे होंगे, ये डीएक्शन का टी टी क्रीम है, उसमें टी टी ऑयल यूज होता है। इसमें बहुत सारी और भी बहुत सारी चीजें हैं, नोनी है, एलोवेरा है, क्रैनबेरी है, मोरिंडा सिट्री बोलिया है, टर्मेरिक है, जिनसेंग है, फ्लैक्सीड ऑयल है, ब्राह्मी है, ये सब बूटियां हैं, पौधे हैं, लेकिन इनमें बहुत सारे औषधीय तत्व हैं। जो मैं हिप्पोक्रेटिस की बात की थी, जिन्होंने वो मॉडर्न मेडिसिन के बारे में कहा था, उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन शुरू तो की थी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा था, लेट फूड बी योर मेडिसिन, कि खुराक को अपनी दवा बनाओ। और किसी विद्वान ने यह भी कहा था कि आप खुराक को अपनी दवा बनाओ, नहीं तो एक वक्त आएगा आपको दवा एक खुराक के रूप में लेनी पड़ेगी।
कितना विजन था हिप्पोक्रेटिस का कि लेट फूड बी योर मेडिसिन। एक आपने अब छोटे स्कूल में पढ़ा होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर है, लेकिन इसका अमल नहीं किया जाता। इंसान किसी चिकित्सक के पास, चाहे वो प्राकृतिक चिकित्सक है चाहे वो एलोपैथिक चिकित्सक है, उनके पास तभी जाता है जब कोई बीमारियां होती हैं। उनके पास ये पता करने नहीं जाता कि जी मेरे को बताइए मैं बीमारी को प्रिवेंट कैसे कर सकता हूं। और दुख की बात यह है, और ना ही बड़े बड़े हॉस्पिटल में इसके बारे में बताया जाता है कि आप बीमारियों को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे कर सकते हैं। मैं जो पिछले इतने सालों से एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूं और अभी 18 साल से ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मेरा उसके बारे में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो प्रिवेंशन है वो सिर्फ इलाज से बेहतर ही नहीं है, इलाज के खर्चे से बहुत सस्ती है। इट इज मच चीपर देन ट्रीटमेंट। अब जड़ी जब हम जड़ी बूटियों की बात करते हैं, तो कुछ सालों से रिसर्च की गई न्यूट्रिशन के बारे में, खाने की चीजों का रिसर्च की गई, तो एक टर्म कॉन्सेप्ट बनाया गया, उसको बोलते हैं फंक्शनल फूड्स, और एक साइंस बनी फंक्शनल फूड साइंस। फंक्शनल फूड साइंस किस चीज को स्टडी करती है कि खुराक जो हमें कोई बूटी, प्राकृतिक बूटी जो हमें एक खुराक का काम भी देती है और हमारे शरीर के किसी ना किसी अंग में वो उसके सिस्टम को ठीक करने का भी काम करती है, उसको बोलते हैं फंक्शनल फूड साइंस। अब इस श्रेणी में मशरूम्स खुमियों का एक बहुत बड़ा रोल है। कई हजारों सालों से लोगों ने खुमी के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की है, बहुत सारी जानकारी की है, और वो इनको खाते रहे हैं, और उनको ये भी पता है कि कौन सी खुमी खानी है कौन सी नहीं खानी। इसका क्या मतलब कि खुमी जो होती है, मशरूम जो होती है, दुनिया में हजारों किस्म की होती है, लेकिन उनमें ज्यादातर खुमी पॉइजनस होती है, विषैली होती है, और कुछ ऐसी होती है जो कि हमें साइकोट्रॉपिक, दिमाग के ऊपर गलत असर भी करती है, नशा भी देती है। तो उनको पुराने जो सिविलाइजेशन के लोग थे वो इनमें पहचान करते थे, और वो जो अच्छी खुमी थी उनको खाते थे, जो खराब थे उनको छोड़ते थे। चाइना में, चीन में इसके बारे में बहुत पुरानी रिसर्च की गई, बहुत पुराना अध्ययन है इन ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, TCM बोलते हैं इसको, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। और मशरूम को पुराने समय में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मिनरल, विटामिन, यानी कि हर तरह की चीज का एक उसको इकट्ठ माना जाता था कि उसमें हर चीज मिलती है, उसका समूह माना जाता था कि मशरूम में से आपको ये सारी चीजें मिल सकती है। लेकिन फिर भी ये पहचान की जरूरत है कि कौन सी पॉइजनस है और कौन सी पॉइजनस नहीं है। अब खुम्बीज में, मशरूम में जो कई हजारों सालों से पता लगा कि इनमें बहुत सारे औषधीय तत्व पाए गए, जो कि पुरानी चाइनीज किताब है मेटीरिया मेडिका, जिसमें इसके बारे में बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है। उन चाइनीज अध्ययन में 100 से ज्यादा मशरूम की स्पीशीज का स्टडी किया गया, और उन्होंने पाया कि वो हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर, ट्यूमर्स के ऊपर, हार्ट के ऊपर, वायरल के ऊपर, जीवाणु बैक्टीरिया कीटाणुओं के ऊपर, पैरासाइट के ऊपर, लिवर के ऊपर और शुगर के ऊपर जो उनका रोल है उसके बारे में बहुत जानकारी पुराने लोगों ने ली। अब इनमें खुम्बी बहुत सारी हुई, उन खुम्बियों में कुछ अच्छी अच्छी खुबियों को पहचाना गया, स्टडी किया गया, और उनमें 6 खुबियां खास तौर से सामने आई, गैनोडर्मा, रेशी या लिंगजी, कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस, हेरिसियम एरिनियस या इसको लायंस मेन भी कहा जाता है, ग्राइफोला फ्रोंडोसा, हैन ऑफ द वुड्स भी कहा जाता है, ट्रमेटीज वर्सिकुलर, टर्की टेल भी बोला जाता है, एंड लेंटिनोला एडोर्स, इसको शैताके भी बोला जाता है। इन सब में जो किंग ऑफ हर्ब्स है, जड़ी बूटियों का चमत्कारी राजा, वो है गैनोडर्मा लुसिडम, जिसको कि अपने
मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए, अपने चिकित्सा वाली गुणों के लिए जो भरपूर भंडार इनमें पाया गया, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है मिरेकुलस किंग ऑफ हर्ब्स, जड़ी बूटियों का चमत्कारी राजा। इसके अंदर जो अभी तक अध्ययन किया गया 400 से ज्यादा अधिक अलग अलग तरह के गुण पाए गए, पर वो मेन कुछ कैटेगरीज में उनको रखा गया, जैसे इसमें पॉलीसेक्राइड्स हैं, ट्यूमर फाइटर्स हैं, डायबिटीज हैं, आर्थराइटिस, गैनोडेरिक हैं, सो मेनी थिंग्स, और वो सब मिलके हमारे ब्लड की, शरीर की अलग अलग बीमारियों को ठीक करने में मदद करते हैं। गैनोडर्मल ल्यूसिडम हजारों सालों से उसको जख्मों के लिए और अल्सर के लिए, कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज से लगभग 5000 साल के करीब 2838 बीसी में चीन में एक किताब लिखी गई थी, शिनो होन्जोक्यू। उस किताब में इस गैनोडर्मा ल्यूसिडम को एक संजीवनी बूटी के बराबर का दर्जा दिया गया। मेरा ख्याल है आप सब लोग जानते हैं संजीवनी बूटी क्या होती है। संजीवनी बूटी होती है जो कि हर बीमारी को ठीक करने का दम रखती है, मुर्दे को भी जीवित करने का दम रखती है। जैसे कि हमारी प्राचीन रामायण में लिखा गया है कि हनुमान जी जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, उनके लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे, जिससे लक्ष्मण जी के प्राण वापस आ गए। और पुराने चाइनीज रिसर्चर ने इनके ऊपर बहुत सारी स्टडीज की और इसके गुणों को पहचाना। इतने उसके बाद पिछले लगभग, मैं बोलूंगा लगभग 50-60 दशक के करीब, गैनोडर्मा के ऊपर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करनी शुरू की और उसको समझना शुरू किया कि वो किस तरह सारी बीमारियां ठीक करती है। तो उसमें पता लगा कि उसमें ये तीन तरह की जो मेन प्रॉपर्टीज है, जिसको बोलते हैं बायो इंटेलिजेंस, फैगोसाइटोसिस और कीमोटैक्सिस, जो कि इम्यून सिस्टम के तीनों हिस्से। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है बायो इंटेलिजेंस, के दुश्मन को पहचानना, हमारे शरीर के अंदर दुश्मन को पहचानना। मैं इसका आपको उदाहरण देता हूं। जब किसी गुर्दे के मरीज का ट्रांसप्लांट किया जाता है या और भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, पर मैं मेनली गुर्दे की बात कर रहा हूं क्योंकि आजकल एक बहुत कॉमन बात हो गई है, बहुत गुर्दे ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। और जब किसी गुर्दे को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उस मरीज को कुछ अंग्रेजी दवाइयां खिलाई जाती हैं जिनको हम इम्यूनो सप्रेसेंट्स बोलते हैं, कि उनका काम होता है कि हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक शक्ति को दबा के रखा जाए, ताकि वो पहचान ना सके कि ये जो गुर्दा डाला गया है ये इस शरीर का हिस्सा नहीं। अगर वो इम्यूनो सप्रेसेंट नहीं दिए जाएंगे, अगर उसको नॉर्मल दवाई दी जाएंगी, तो जब ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो हमारे बॉडी का जो बायो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो पहचानेगा कि ये हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, तो उस गुर्दे को रिजेक्ट कर देगा। इसलिए दवाइयां खिला के हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके दबा के रखा जाता है, ताकि हमारा बॉडी उस गुर्दे को रिजेक्ट ना कर दे। लेकिन आज बहुत मैं भी देख चुका हूं कि इसके बावजूद आज कई लोगों के गुर्दे जो ट्रांसप्लांट किए गए थे वो रिजेक्ट हो गए और वो दोबारा से उनको डायलिसिस की जरूरत पड़ी। तो बायो इंटेलिजेंस जो है, इसका मैं इसे थोड़ा मैं डिटेल आपको बताता हूं कि बायो इंटेलिजेंस का हमारे बॉडी में क्या रोल है। इसका मेन रोल तो जैसे मैंने आपको बताया, ये पहचानना कि हमारे शरीर का दुश्मन कौन है, कौन बाहर से अंदर आया। लेकिन हमारे शरीर के अंदर हजारों किस्म के कीटाणु और हमारे हजारों किस्म के जीवाणु, वो हमारे शरीर में रहते हैं, वो हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है। उनके बिना हमारा शरीर, हमारे शरीर के सिस्टम ठीक से काम नहीं कर सकते, उनके बिना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर सकता। तो हमारा जो अंदर का बायो इंटेलिजेंस सिस्टम, वो पहचान करता है कि ये अंदर के कीटाणु है, ये अंदर के कीटाणु है और या ये बाहर से आया हुआ है। तो जो अंदर के कीटाणु है वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो बाहर के कीटाणु है वो उनको पहचान के उनको खत्म करता है। तो बायो इंटेलिजेंस क्या है कि ये हमारे जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है उनको
हमारे प्रॉपर फंक्शन के लिए जरूरी है और उनको पहचानता है, लेकिन उस एट द सेम टाइम वो देखता है कि जो हमारे शरीर में हर रोज हजारों किस्म के कीटाणु वायरसेस सब तरह से हमारे शरीर में अटैक करते रहते हैं, क्योंकि जो हमारा वातावरण है वो लाखों किस्मों के कीटाणुओं और वायरसेस से लदा पड़ा हुआ है और वो हर समय 24 घंटे हमारे शरीर के ऊपर अटैक करते रहते हैं। तो हमारे शरीर के जो इम्यून सिस्टम के अलग अलग हिस्से हैं, सबसे पहला हिस्सा होता है हमारी त्वचा, उसको रोकते हैं, उसके जब अंदर जाते हैं तो उस समय ये बायो इंटेलिजेंस काम करता है। तो ये जो बायो इंटेलिजेंस है ये पहचानता है कि कौन से हमारे अंदर के फ्रेंडली कीटाणु है और कौन से दुश्मन है, कौन से बाहर से एनिमी आया हुआ, कौन से बाहर से कीटाणु आए हुए हैं। और एक बार जब वो उन बाहर के कीटाणुओं को या बाहर के वायरसेस को, बाहर के जीवाणुओं को पहचान लेता है, एक बार बाहर से कोई कीटाणु आया, उसने हमारे अंदर के सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय किया, तो हमारा बायो इंटेलिजेंस सिस्टम इतना जबरदस्त है, इसकी इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा है कि उसको जब तक वो शरीर है तब तक वो याद रखता है कि ये वाला कीटाणु बाहर से आया था और दोबारा कभी आएगा तो पहले से उसको खत्म करता है, उसको 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 उसके ऊपर ज्यादा दोबारा रिसर्च करनी नहीं पड़ती। वो एक बार उसको ढूंढ के उसके खिलाफ हमारे शरीर में एक फौज बना देता है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडीज, और जब दोबारा कभी वो कीटाणु हमारे शरीर में अटैक करता है तो एंटीबॉडीज उसको खत्म कर देती है। तो उसको हमेशा के लिए उसको याद रखता है कि ये दुश्मन है, ये बाहर से आता है, इसको अंदर नहीं आने देना। एक बार जब उस बायो इंटेलिजेंस सिस्टम ने उन बाहर के कीटाणुओं को, बाहर के जीवाणुओं को, बाहर के टॉक्सिन को पहचान लिया, तो उसका उसके बाद दूसरे होते हैं मैक्रोफेजेस, और उसको इस जो ये प्रोसेस पैदा करते हैं जो उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं कि वो उसको खा लेते हैं, स्वालो कर लेते हैं, उसमें जो उसके तत्व होते हैं मैक्रोफेजेस, एंटीबॉडीज, टी सेल, बीटा सेल्स, ये उन कीटाणुओं को जिनको बायो इंटेलिजेंस ने पहचाना, पहचान के इन्होंने इसके हवाले कर दिया, भाई तुम इसका हल करो। जैसे क्या होता है, पुलिस है वो सड़कों में घूम रही है, कोई बदमाश है उसको पकड़ा, उसको पकड़ के उसने जेल भी डाल दिया और दरोगा को बोला अब आगे तुमने काम करना है। अब दरोगा उसको पकड़ के उसके ऊपर चार्जशीट लगाता है, फिर कोर्ट में भेज देता है, क्या उसके ऊपर तुमने काम करना है। तो इसी तरह बायो इंटेलिजेंस ने उनको बाहर के कीटाणु को पहचाना, पहचान के उनको हमारे बॉडी के ये जो फाइटर सेल्स है मैक्रोफेजेस, एंटीबॉडीज, टी सेल, बीटा सेल, उनके हवाले कर दिया, और वो जो मैक्रोफेजेस, टी सेल, बीटा सेल्स है वो उनको सॉलो कर लेती है, खा लेती है। उसके बाद फिर तीसरी सेल आगे आती है, उनके हवाले कर देते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स, घातक सेल्स। वो उन खाए वो कीटाणुओं को, खाए हुए टॉक्सिन्स को उनको केमिकली ब्रेक डाउन करती हैं, और जिसको बोलते हैं कीमोटैक्सिस। तो उनको केमिकली ब्रेक डाउन करके उनको निष्क्रिय कर देते हैं, और जब निष्क्रिय हो जाती हैं तो ब्रेक डाउन से कुछ कचरा तो बचता है ना, वो कचरा कहाँ जाएगा, वो कचरा फिर हमारे बॉडी से बाहर फेंका जाता है, और जब बाहर फेंका जाता है तो कुछ लक्षण आते हैं जिसको बोलते हैं एलमेंट रिफ्लेक्शन। एलमेंट रिफ्लेक्शन कब आते हैं कि पहले टॉक्सिन को आइडेंटिफाई किया गया, इसका मतलब है इम्यून सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया, फिर उन टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकाला गया, तो फिर आते हैं एलमेंट रिफ्लेक्शन। एलमेंट रिफ्लेक्शन क्या है? एलमेंट रिफ्लेक्शन हमारे बॉडी का उसकी हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक करने का एक पॉजिटिव रिएक्शन है, हीलिंग प्रोसेस, कि हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम ने उन टॉक्सिन को बाहर निकाल के हमारे शरीर को ठीक करना शुरू किया है। इसको ऑपोजिशन इफेक्ट भी बोलते हैं, रिकवरी सिम्टम्स भी बोलते हैं, और कुछ नेचुरल प्राकृतिक चिकित्सा के लिटरेचर में इसको हीलिंग क्राइसिस भी बोले जाते हैं। हीलिंग क्राइसिस का मतलब है कि ठीक होने से पहले का कष्ट, हीलिंग क्राइसिस। और ये रिफ्लेक्शन, और कई बार ऐसा होता है हीलिंग क्राइसिस, लोगों को बार बार हीलिंग क्राइसिस आते हैं, क्यों आते हैं, कि जब तक वो कचरा पूरी तरह से बाहर निकलेगा नहीं, वो हीलिंग क्राइसिस आते रहेंगे, और जब हीलिंग क्राइसिस आने, जब कचरा खत्म हो जाएगा तो हीलिंग क्राइसिस बंद हो जाएंगे। पर होता क्या है, आप लोग जो लोग डिएक्शन से जुड़े हो आपने बहुत देखा होगा, आप किसी को ये डिएक्शन के प्रोडक्ट देते हैं, गैरोडोवा देते हैं, तो उसको लेना शुरू किया तो किसी को छींके आने शुरू हो गई, किसी को चमड़ी के ऊपर फोड़े आने शुरू हो गए, किसी का दर्द बढ़ गया, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, अपने गैरोडोवा की को खाना शुरू कर देता है, डॉक्टर को जाता है, डॉक्टर बोलता है ये क्या तुमने कचरा खाना शुरू कर दिया,
और वो डॉक्टर उसको और दवाइयां लिख देता है। उन दवाइयों से क्या होता है, वो हीलिंग क्राइसिस तो आने बंद हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अंदर प्रॉब्लम बढ़ती रहती है और अल्टीमेटली वो एक हेल्थ क्राइसिस बन जाती है। तो आप सोचिए, क्या बार बार हीलिंग क्राइसिस को सहना अच्छा है या उनको इग्नोर करके एक हेल्थ क्राइसिस में जाना अच्छा है? अकलमंद यही है कि ये जो नेचुरल चीजों से, नेचुरल फूड सप्लीमेंट से, गैनोडर्मा से या और भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, उनसे जो हीलिंग क्राइसिस आ रहे हैं उनको होने दो, उसको सहो, कोई खरा नुकसान नहीं करेंगे वो, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपका शरीर दोबारा से एक सबसे बढ़िया डॉक्टर बन जाएगा। और ये जो हीलिंग क्राइसिस है ये टेम्पररी है, ये हमेशा तक चलने वाले नहीं है, ये टेम्पररी लक्षण है और इनका एवरेज जो पीरियड है एक सप्ताह से लेकर 30 सप्ताह तक होता है। किसी को कम भी हो सकता है, किसी को ज्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि शरीर में जो टॉक्सिन है, जो कचरा है, उसकी मात्रा कितनी है। अगर ज्यादा मात्रा है, अगर ज्यादा कचरा बाहर निकालना है तो निकालने में टाइम ज्यादा लगेगा, अगर कम कचरा है तो जल्दी साफ हो जाएगा। कुछ मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि किस तरह के एलिमेंट रिफ्लेक्शन आ सकते हैं, आंखें लाल हो सकती हैं, आंखों में धुंधलापन आ सकता है, आंखों में कचरा आ सकता है, नाक बह सकता है, खांसी आ सकती है, छींकी आ सकती है, गला सूख सकता है, मुंह में छाले हो सकते हैं, कान ब्लॉक हो सकते हैं, बदबू द्वारा पसीना आ सकता है, शरीर पर फोड़े निकल सकते हैं, चमड़ी में खारिश हो सकती है, हाथ पैर सुन हो सकते हैं, पैर सुन हो सकते हैं, उल्टी आ सकती है, पेशाब में जैसे और तेल के तरह का चिकनाई वाला पेशाब आ सकता है, या दस्त आ सकते हैं, या कब्ज हो सकती है। ये अलग अलग तरह के एलिमेंट रिफ्लेक्शन है, डिपेंड करते हैं कि किस तरह का कचरा बॉडी में जमा है और उसको निकालने के लिए क्या। कचरा जो है वो दो तरह का होता है, वाटर सोल्युबल एंड फैट सोल्युबल। तो किस तरह का कचरा है उसके मुताबिक अलग अलग तरह के ये लक्षण है। और ये जो एलिमेंट रिफ्लेक्शन है ये उस ऑर्गन, जिस अंग की बीमारी है उस अंग से रिलेटेड है। अगर लिवर में कोई प्रॉब्लम है या उसका कचरा निकलेगा तो आंखों में लाली आएगी। अगर गुर्दे में कोई प्रॉब्लम है, गुर्दे की सेल में टॉक्सिन है, जब उसकी सफाई होगी तो कानों में भारीपन होगा, कान बंद होंगे। अगर किसी का दिल में कोई प्रॉब्लम है तो मुंह के ऊपर शेक निकलेगा। अगर नाड़ियों में कोई प्रॉब्लम है तो उसके नाड़ियों वाले हिस्से में, जैसे बाजू में, टांग में, जैसे जिसको लकवा है तो उसको उसमें दर्द होगा। जोड़ों का दर्द किसी को है, गठिया है, तो उसको दर्द बढ़ेगा। किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, एक बार शुगर का लेवल बढ़ेगा। जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, एक बार दौरे थोड़े से बढ़ेंगे। किसी को माइग्रेन का अटैक पड़ते हैं, एक बार अटैक थोड़े बढ़ेंगे। किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है, उसको चक्कर आएंगे। इस तरह अलग अलग बीमारियों के अलग अलग लक्षण होते हैं। तो मैं आपको राय दूंगा कि जब भी आप किसी मरीज को खाने के लिए आप गैनोडर्मा के प्रोडक्ट दो तो उसको उसकी बीमारी के मतलब थोड़ी सी जानकारी जुड़ दे दो कि आपको ऐसी निशानियां आएंगी, उससे घबराना नहीं, ताकि वो पहले से ही तैयार हो और उसे घबराए नहीं। और साथ में उसको ये भी बताना है कि जब ऐसे एलिमेंट रिफ्लेक्शन आने लगेंगे या जब गैनोडर्मा की प्रोडक्ट लेनी शुरू करनी है तो आपको पानी खूब ज्यादा पीना है। वो क्यों? जब पानी खूब ज्यादा पिया जाएगा तो ये तो निश्चित है कि ज्यादा पेशाब आएगा, और जब ज्यादा पेशाब आएगा तो टॉक्सिन जल्दी बाहर निकलेंगे, तो एलिमेंट रिफ्लेक्शन जल्दी खत्म हो जाएंगे। अब ये मैं आप गैनोडर्मा को के बारे में कुछ पत्रिकाओं में कई तरह की रिपोर्ट छपी, मैं उसके बाद थोड़ी जानकारी देता हूँ। ये सोलन में एक नेशनल मशरूम रिसर्च सेंटर है, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, वहां पर पिछले 25-26 साल से गैनोडर्मा की रिसर्च हो रही है और वहां पे साइंटिस्ट हैं, उनकी टीम है, उनका कई बार इंटरव्यू आ चुकी है, आप पढ़ तो नहीं पाएंगे, ये छोटा है, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने इसमें लिखा है कि आर डी राय जो वैज्ञानिक है कि उन्होंने लिखा है कि गैनोडर्मा, इसको रेशी बोलते हैं जापानीज भाषा में, तो उन्होंने रेशी लिखा है कि ये सबसे महत्वपूर्ण औषधीय मशरूम है। उन्होंने ये भी बताया है कि ये कैंसर, हृदय रोग, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर और मधुमेह, शुगर जैसी घातक बीमारियों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। वैज्ञानिक कह रहे हैं किसी संजीवनी बूटी से काम नहीं है।
रोग प्रतिकारक गुणों के चलते, यानी कि इम्यून सिस्टम को ठीक करने के गुणों के चलते हुए ये अन्य प्राण घातक रोगों से भी बचाव करेगा। अब ये इसमें क्या क्या बोलते हैं कि ये किन किन बीमारियों को ठीक कर सकता है, किन रोगों में उपयोगी है, कैंसर, क्रोनिक हेपेटाइटिस, लिवर की बीमारियां, मधुमेह, हृदय रोग, पक्षघात मींस पैरालिसिस, अल्सर, अर्थराइटिस, रिमेटिज्म, अस्थमा, हेपेटाइटिस ए बी सी, जिसको आम भाषा में काला पीलिया बोला जाता है, जो कि किलर डिजीजेस है, घातक बीमारियां जिसका कोई इलाज संभव नहीं है। सोरायसिस एक चमड़ी की बीमारी है, मम्स जो गालों के ऊपर जो सूजन आ जाती है, एपिलेप्सी मिर्गी, थकान व रक्तचाप आदि रोगों के उपचार में सहायक। अब ये देखिए, ये एक इंस्टीट्यूट की, एक कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक रिसर्च रिपोर्ट में ये कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो अपने 18 साल के तजुर्बे से ये सब चीजें ठीक होती देख चुका हूं, पर ये लोग बोल रहे हैं। मैं इसको पिक्चर को ऑन कर लूं दोबारा। ये देखना भैया, इसको दोबारा कैसे करेंगे। हाँ ठीक है। सोलन में, हिमाचल में एक और ये इंस्टीट्यूट है, इसको बोलते हैं एम्ब्रोसिया ऑर्गेनोसूटिकल्स। ये भी पिछले 15-16 साल से गैनोडोमा को रिसर्च कर रहे हैं, और ये क्या बोलते हैं, क्या है ऋषि मशूम, औषधीय गुणों के लिए भारत में जो स्थान तुलसी को प्राप्त है, ठीक वैसे ही चाइनीज औषधि में गैनोडर्मा का स्थान है। यह मशरूम लकड़ी की छाल जैसी सख्त और नीम जैसी कड़वी होती है। ये कैंसर, एड्स, हृदय रोग, मधुमेह, गठिया, उच्च रक्तचाप, एलर्जी, लिवर और किडनी की बीमारी को दूर करने में काम आता है। केरला में एक जगह थ्रिसूर, वहां पर एक आमला कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पर गैनोडर्मा का रिसर्च की गई। वहां वो क्या कहते हैं कि जब किसी कैंसर के मरीज को रेडियोथेरेपी, बिजलियां लगाई जाती हैं, तो उसको बहुत साइड इफेक्ट आते हैं, उसके बहुत सारे बाद उतर जाते हैं, बहुत कमजोरी होती है। वो क्यों होती है कि वो रेडियोथेरेपी जो एक्सरसाइज होती है, वो उनका काम है कैंसर की सेल को मारना, कैंसर की सेल को किल करना, पर वो नहीं पहचानती कि कौन सी कैंसर सेल है और कौन सी हमारी बॉडी की फाइटर सेल है, टी सेल, लिम्फोसाइट, बीटा सेल, मैक्रोफेजेस एंड ऑल दिस। तो जब वो रेडियोथेरेपी, वो किरणें जब उस हिस्से में डाली जाती हैं, तो कैंसर सेल के अलावा उससे कई गुना ज्यादा हमारे बॉडी के जो फाइटर सेल्स हैं उनको मार देती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आती है और उसके बाद कैंसर पहले से ज्यादा फैलने लग जाता है, क्योंकि अब फाइटर सेल कैंसर की सेल से फाइट करने के लिए बची नहीं है या बहुत या सक्षम नहीं रही है। तो ये रिसर्च कहती है कि अगर किसी मरीज को गैनोथेरेपी दी, रेडियोथेरेपी किरणें का ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो अगर साथ में उसको गैनोडर्मा ल्यूसीडम अगर खिलाई जाए, तो ये सिलेक्टिवली हमारे बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स है, फर्टाइल सेल्स है, उनको बचाता है, उनको सेव करता है, उनको सुरक्षित रखता है। अब ये बहुत सारे दुनिया भर के रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स हैं गैनोडर्मा के ऊपर, कि गैनोडर्मा के किस तरह हमारी बॉडी के अलग सेल्स के ऊपर काम करता है, कैंसर के ऊपर। ये मैं आपको थोड़ा नटशेल में बता रहा हूँ, अदरवाइज ये रिसर्च रिपोर्ट तो बहुत बड़ी है, कि ये बोलते हैं, मैं इसको मिनिमाइज करके कि गैनोडर्मा के बारे में रिसर्च में पता लगा कि कैंसर के पेशेंट में बहुत ज्यादा सुधार करती है, इन टर्म्स ऑफ के ट्यूमर जो कैंसर का जो ट्यूमर है, और इसको ट्यूमर ही बोलता हूं मैं, वो आगे बढ़ता नहीं है या बाकी अंगों में फैलता नहीं है, या मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ वो ठीक रहती है। इसका क्या मतलब है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक रहती है, अक्सर जब किसी मरीज को कैंसर होता है, वो कैंसर अस्पताल में जाता है, उसको कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडियोथेरेपी दी जाती है, और उस कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी से जब हमारे बॉडी की फाइटर सेल भी खत्म हो जाती हैं, और दोबारा कैंसर का सेल क्यों सारी तो मरती नहीं, अगर दो चार भी बच गई तो वो दोबारा से वो बढ़ने लगती हैं और दोबारा से कैंसर की शेप ले लेती हैं और पूरे शरीर में फैल जाती हैं, और तब वो इंस्टीट्यूट, वो अस्पताल वाले बोलते हैं कि अब इनको घर ले जाओ, सेवा करो, और मरीज को
बहुत तकलीफ होती है, उनको दर्द होता है, तो उनको कई तरह के नशे के टीके ट्रामाडोल माइक्रो और मॉर्फिन जैसे दी जाते हैं ताकि उनका दर्द कम हो सके। उन इंजेक्शन का उस दर्द के ऊपर कोई रोल नहीं है, उसका रोल है हमारे दिमाग के ऊपर कि हमारे दिमाग में जो दर्द सहने की क्षमता है वो उसको शांत कर देता है या उसको उस क्षमता को बढ़ा देता है ताकि हम उस दर्द को महसूस ना करें। दर्द तो वहीं का वहीं है और धीरे धीरे वो कैंसर आगे बढ़ता रहता है, लेकिन मरीज उसमें उस टीके के असर से समझता है कि शायद मैं ठीक हूं। बट गैनोडोवा का क्या काम है कि ये उसकी जितनी भी मरीज की लाइफ बची है वो उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को ठीक करता है। अगर इसमें देखो कोई शक नहीं है, मैं आपसे पूरा साफ तौर पर बोलूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा, मेरे को पिछले 18 साल में मैं कई हजार कैंसर के मरीजों को डील कर चुका हूं और उनमें बहुत सारे लोग ठीक हो चुके हैं, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि सब ठीक हो। मेरे पास तो कोई भी कैंसर का मरीज आता है तो मैं तो उसको ये बोल के देता हूँ, और मेरे पास मरीज पहुंचते ही तब है जब अस्पताल से जवाब मिल चुका होता है कि अब घर ले जाओ सेवा करो, तो ऐसे में मैं उसको कैसे बोल सकता हूँ ठीक हो जाएगा। मैं तो यही बोलता हूँ भैया अब और तो अगर ऐसा है नहीं है, आप भगवान का नाम लेकर इस गैनोडोमा ये प्रकृति की बनाई हुई प्रोडक्ट इसको ट्राई करो, और इसलिए करो कि इस लाइफ अच्छी बनी रहे और वो ठीक ठाक जिंदगी जी सके। गैनोडोमा का कॉरोनरी आर्टरी, एक मिनट यार पानी पी लूं, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज दिल की नाड़ियों की बीमारियां, उनके ऊपर गैनोडोमा के ऊपर जो क्या स्टडी हो चुकी है, इसे पूरी तरह का मैकेनिज्म तो अभी तक समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी पता लगा है कि ये ब्लड प्रेशर को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल का कम करती है, और जो प्लेटलेट जो इकट्ठे कण प्लेटलेट इकट्ठे हो जाते हैं उनको खोलती है, जिस वजह से खून पतला रहता है और खून जमता नहीं तो खून ठीक ठाक चलता रहता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की ठीक रहती है, खून का दौरा ठीक चलता रहता है और उससे हमारे दिल के फंक्शन ठीक चलते रहते हैं। शुगर, आज शुगर की बीमारी डायबिटीज दुनिया में एक महामारी का रूप ले रही है, और ये तो हमारे देश में जो इसके बारे में प्रेडिक्शंस हैं वो ये है, ये WHO ने कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, के सन 2025 यानी कि आने वाले और 5-7 साल तक लगभग 70-75% इंडिया की पॉपुलेशन शुगर का मरीज होगी। तो क्या उस समय तक बैठे इंतजार किया जाए? इसलिए मैं तो हर एक को राय देता हूं कि आप, और जिनके फैमिली में शुगर की हिस्ट्री पहले से है उनको तो ज्यादा ही ध्यान देना चाहिए। उन अगर जिनके घर में कोई पहले शुगर की हिस्ट्री है, अगर वो किसी एलोपैथी वाले डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या उनको कहा जा सकता है कि आपके पिताजी को शुगर थी, आपके माताजी को शुगर थी, आप अभी से इंसुलिन के टीके लेना शुरू कर दो? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम उनको ये बोल सकते हैं कि आप गैनोडोमा लेना शुरू कर दो, आप ये प्राकृतिक चिकित्सा लेनी शुरू कर दो, ताकि ये क्या करती है गैनोडोमा, क्या करती है कि हमारे पेनक्रियाज में अग्नाशय में जो बीटा सेल्स जो डैमेज हो रही है, जहां से इंसुलिन ठीक से बन नहीं रही, उसको एक्टिवेट करके उनको रिपेयर करके रीजनरेट करके उसकी इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाते हैं और एक ग्लूकागोनिक चीज होती है उसको कम करते हैं। इनसे गैनोडोमा शुगर को में एक एंटी डायबिटिक का रोल प्ले करती है, ताकि अगर शुगर तो ना हो, अगर है इसको जब इस बात को ध्यान से सुनिए, अगर किसी मरीज को शुगर छोड़ो उसको ये गैनोडोमा लेना शुरू कर दो, नहीं, उन दवाइयों के साथ साथ एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन उनके साथ इंटेग्रेटेड मेडिसिन, जैसे मैंने पहले बोला था, उन दवाइयों के साथ साथ उन दवाइयों का रोल है शुगर का जो खून में जो शुगर की मात्रा है उसको कम करना, उनका पेनक्रियाज की सेल के ऊपर कोई रोल नहीं है। गैनोडोमा शुगर का जो
शुगर की मात्रा है उसके ऊपर करके इंसुलिन अंदर से बनी शुरू हो जाए और शुगर बढ़नी बंद हो जाए, अगर शुगर बढ़नी बंद हो जाएगी तो धीरे धीरे ये दवाइयां कम होते होते ये खत्म हो जाएंगी, ये कम करने की जरूरत है। हेपेटाइटिस बी लिवर की बीमारी है, इसको इसको काला पीलिया भी बोला जाता है, हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी इन सबको काला पीलिया बोला जाता है और ये बहुत सीरियस बीमारियां हैं। और ये गैनोडमा का इसको भी ट्रायल किया गया तो इसमें पता चला कि गैनोडमा के जो पॉलीसेक्राइड और ट्राइटरपिन होती हैं वो इनका एंटीवायरल रोल है और ये जो वायरसेस की जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है उनका जो अंदर की स्ट्रक्चर है डीएनए बोलते हैं उसके अंदर एक चीज होती है पॉलीमरेज, उसके ऊपर ये उसको कम करती है, इनहिबिट करती है जिससे कि वो नाड़ियों की बीमारियां। आज की मॉडर्न सोसाइटी में जहाँ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इतना ज्यादा है यहाँ ये नाड़ियों की बीमारियां बहुत कॉमन हो चुकी। एक सर्वे किया गया ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इसको ऑस्ट्रेलेशिया बोलते हैं, ऑस्ट्रेलेशिया में एक सर्वे किया गया जिसके मुताबिक लगभग 17.7 लोगों को इन्वेस्टिगेट किया गया उनमें ये नाड़ियों की प्रॉब्लम पाई गई। आज अमेरिका जैसे एडवांस कंट्रीज में, कनाडा जैसे एडवांस कंट्री में सबसे ज्यादा बिजी जो डॉक्टर्स हैं वो हैं साइकियाट्रिस्ट, दिमागी बीमारियों के डॉक्टर, क्योंकि ये नाड़ियों की बीमारियां स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के कारण आज नाड़ियों की बीमारियां आ रही हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आदमी पागल है, इसका ये मतलब नहीं है, ही इज नॉट ए साइकियाट्रिक पर्सन, लेकिन उसके अंदर नाड़ियों की कमजोरी है जिसकी वजह से वो ठीक तरह से सोच नहीं सकता, ठीक तरह से काम नहीं कर सकता, जल्दी थकावट हो जाती है, जल्दी मेंटल थकावट हो जाती है, तो पूरी तरह काम करने में सक्षम नहीं है। तो जिनको इस तरह की नर्वस डिजीजेस होती हैं, न्यूरोस्थेनिया होती हैं, तो अंग्रेजी दवाई में किया जाता है उसको कुछ एंटी डिप्रेशेंट और कुछ होने वाली नशे की दवाएं दी जाती हैं जिनके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं और इन साइड इफेक्ट से और कई बीमारियां पैदा होते हैं। गैनोडर्मा में जो कुछ एक्ट है जिनमें पर्टिकुलर एक एडिनोसिन होता है वो इन सर्वेंट सिस्टम के ये जो सिम्टम है ऐसे लक्षण है उनको कम करता है जिसकी वजह से मरीज की शारीरिक की जो थकावट होती है उसको कम करती है और मरीज एक बेहतर वेल बीइंग महसूस करता है। अब आप लोगों ने खुद जब गैनोडर्मा खाने शुरू की गई थी या आपने कई लोगों को देखा होगा जिनको आप गैनोडर्मा के प्रोडक्ट खाने को देखते हो तो देते हो तो कुछ हफ्ते के बाद वो मरीज आपको कहता है यार मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, शरीर में अच्छा जान रहती है, अभी मेरा पहले सिर भारी हो जाता अब वो भारी नहीं होता। तो ये गैनोडर्मा का यही रोल है कि इसके अंदर जो एडिनोसिन होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वर्किंग को ठीक करता है। पेट के अल्सर आजकल ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि लोगों का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बहुत है, लोगों की चिंताएं बहुत है और जब चिंता बहुत लोग करते हैं तो पेट में ज्यादा तेजाब बनता है और जो जब आजकल लोगों को सिर दर्द हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया, आज पेन किलर खाए जाते हैं, उन पेन किलर खाने से पेट के अंदर जो तेजाब बहुत ज्यादा बनता है उस तेजाब से पेट के अंदर जख्म होने लगा। तो उस जख्म को ठीक करने के लिए अंग्रेजी दवाई में एक चीज होती है ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन, उसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि वो उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल लेयर बना देता है जिसके कारण वो जो पेट की अंदर की लाइनिंग को नुकसान नहीं करता। लेकिन गैनोडर्मा के अंदर प्राकृतिक रूप से ये ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन जीएजी ये पाया गया जिसकी वजह से ये वो प्रिवेंट करने का अल्सर का बनने से रोकने का काम करता है। गैनोडर्मा के अंदर कोलेस्ट्रॉल को इसके ऊपर बहुत सारे ट्रायल्स हैं, मैं तो सारे इतनी ज्यादा नहीं बता सकता पर बहुत लंबी रिसर्च रिपोर्ट है, यूएसए की भी एक रिसर्च रिपोर्ट है और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की भी एक रिसर्च रिपोर्ट। फिर ये एक यूएसए में एक इंडियाना यूनिवर्सिटी है, इंडियाना पोलिस एक स्टेट है, वहां पर इंडियाना यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक रिसर्चर है डेनियल सिल्वा, उन्होंने आज से लगभग 16-17 साल पहले गैनोडर्मा को प्रोस्टेट कैंसर जो आदमियों में एक सेल होती है उसको पंजाबी में गदूद बोलते हैं, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट बोलते हैं, उसके ऊपर जो कैंसर होता है और जो ब्रेस्ट औरतों की ब्रेस्ट के कैंसर है उसके ऊपर गैनोडर्मा का बहुत अच्छा रोल उसमें पाया गया। उन्होंने गैनोडर्मा लिस्टिडियम जो का एक्सट्रैक्ट है वो कीमोथेरेपी की तरह काम करता है। अब बहुत सारे लोग जब ऐसी कोई
यूट्यूब पे ऐसा कोई लेक्चर सुन लिया। अब मैं कई बार बहुत लोग मेरे को फोन करते हैं, सर वो आपका यूट्यूब के ऊपर लेक्चर सुना गैनोडोमा के बारे में सुना, तो हमने वो गैनोडोमा अमेजोन से मंगवा ली या फला मंदिर से हमने ले ली। अब ये जो डेलियन सर्वा है इसके अंदर ये नीचे एक चेतावनी दे रहे हैं कि बहुत केमोथेरेपी वाली पावर भी है और बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन ध्यान रहे सब तरह की गैनोडोमा जो मार्केट में बिकती हैं उनमें ये गुण नहीं है। ये यहाँ छोटा नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन ये इस लास्ट पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि उनमें सब तरह की गैनोडोमा जो मार्केट में मिलती है उनमें वो रोग प्रतिकारक गुण या उनको कैंसर को क्योर करने के गुण नहीं है, इसलिए इसका ध्यान देने की जरूरत है। गैनोडोमा में वहां की जो प्रोसेसिंग है वो बस से सबसे रिसर्च रिपोर्ट्स हैं यूएसए की मिनिस्टर में कि इसका डायबिटीज के ऊपर, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, लिवर डिसऑर्डर के ऊपर और जो खून की नाड़ियों के अंदर जो परत जम जाती है जिससे वो हार्ट की नाड़ियां पतली हो मेडिकल कॉलेज, उन्होंने गैनोडोमा का रोल कैंसर मैनेजमेंट में बताया है। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है यूएसए में, लाइनस पॉलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मेडिसिन, और वहां के वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज मिले। वहां पर एक जैपनीज डॉक्टर थे, डॉक्टर फुकुमी मरीशिगे, अभी वो नहीं है, अभी कुछ साल पहले उनकी डेथ हुई, वो एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने यह लिखा है कि अपनी प्रैक्टिस के दौरान मैंने गैनोडोमा को कैंसर के इलाज में या एज ए प्रिवेंटिव मेजर या उसके इलाज के लिए मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट पाए। 1994 में एक स्लोन कैटरिंग कैंसर इंस्टीट्यूट है न्यूयॉर्क यूएसए में, वहां मिस्टर माइकल चैंग थे, उन्होंने भी गैनोडोमा के ऊपर स्टडी की थी, उन्होंने बहुत अच्छे इसके रिजल्ट पाए थे और उन्होंने तब कहा था कि उस समय रिसर्च पूरी नहीं थी, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि गैनोडोमा के ऊपर इसका कैंसर की ट्रीटमेंट के ऊपर और कैंसर के बचाव के ऊपर क्या रोल है, इसके ऊपर ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है। लेकिन अफसोस की बात है कि जितनी स्टडी इसके भी ऊपर होनी चाहिए थी उसके ऊपर उस समय नहीं की गई। लेकिन अभी रिसेंटली मेरे जानने में आया है कि उस इंस्टीट्यूट के कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ डॉक्टर्स ने अनऑफिशियल तौर पे, ऑफिशियल तौर पे नहीं क्योंकि ऑफिशियल तौर पे उनको फार्मास्यूटिकल माफिया अलाउ नहीं करता, लेकिन अनऑफिशियल तौर पे उन्होंने अपने मरीजों को कैंसर की दवाइयों के साथ साथ गैनोडोमा के सप्लीमेंट भी देना शुरू कर दिया है। एक अमेरिका में एक और जगह है सैन एंटोनियो, वहां पर ये टेक्सास में हेल्थ साइंस सेंटर है, वो क्या बोलते हैं कि गैनोडोमा का एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, उसकी वजह से इसका अल्जाइमर डिजीज जो कि एक बुढ़ापे की एक बहुत जबरदस्त, बहुत सीरियस एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें इंसान सब कुछ भूल जाता है, अपने घर वालों को भी पहचानता नहीं, खाना पीना नहीं पहचानता, कुछ याद नहीं रहता और वो बहुत गलत किस्म की बीमारी होती है और बहुत तरस वाली बीमारी होती है। उसका गैनोडोमा में रोल स्टडी किया गया और दिल की बीमारियों के ऊपर इसका रोल स्टडी किया गया। जापान में एक इंस्टीट्यूट है टोयामा मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी, उन्होंने गैनोडोमा का HIV-1 ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस उसके ऊपर इसका रोल कि गैनोडोमा कैसे उसके असर को रोक सकती है ये स्टडी किया गया। अब तक गैनोडोमा के ऊपर जो रिसर्च की गई उसमें से लगभग 400 एक्टिव मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट ढूंढे गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी इसके ऊपर और रिसर्च करने की जरूरत है कि अभी इसमें और भी कुछ खजाना है कि उसमें अभी और भी कुछ ना कुछ चमत्कारी गुण मिलेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद जो अभी तक हो चुका है ये कहने में किसी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, कहने के कोई इसमें हमको ये नहीं शर्म नहीं करनी चाहिए इसको जड़ी बूटियों का राजा कहने में और इसको एक मैजिक जादूगरी मशरूम कहने में हमको बिल्कुल किसी तरह की रोकथाम नहीं करनी चाहिए। आजकल एक सीरियस प्रॉब्लम चल रही है, आप सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है, पूरी दुनिया में लगभग 11 लाख लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं, लगभग 60-65 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका जैसे एडवांस इंस्टीट्यूट, एडवांस कंट्रीज, इटली, स्पेन,
फ्रांस जैसे मेडिकली एडवांस कंट्रीज, वहां पर इतनी मौतें हो चुकी हैं, तो उनके सामने हमारा देश जिसको भी बैकवर्ड कंट्री बोला जाता है, और जहाँ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जिनको बैकवर्ड कंट्रीज बोला जाता है, तो वो इसके बारे में क्या करेंगे? अब इसके बारे में अगर वो लोग नहीं बच सकते तो इन देशों में कैसे बचेंगे? पर इसमें रोल, इस गैनोडमा का, सप्लीमेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है। क्यों रोल है? आज आप रोज सुबह से लेकर शाम तक आई एम श्योर टीवी देखते होंगे, और टीवी में क्या बोला जाता है कि गैनोड इस कोरोना वायरस का कोई हल नहीं। आजकल एक वो एक एडवर्टाइजमेंट भी आया करता है, कोरोना इसको सारी दुनिया की सरकारें इसका इलाज ढूंढ रही हैं, लेकिन इसका इलाज किसी को नहीं मिल सकता, वो कोरोना वायरस खुद बोलता है। तो जो डॉक्टर और बाकी विद्वान, वो लोग क्या कहते हैं? इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज एक ही है कि एक, आप जो लोग इसके संकर्प इसके इसे इन्फेक्टेड हो चुका है उससे बचो, जिसकी वजह से एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई, जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, बाकी सब जगह बोला जाता है, ताकि आप उनके कांटेक्ट में ना आए। और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करो, इम्यून सिस्टम को मजबूत करो। और गैनोडर्मा का क्या रोल है? सिर्फ यही रोल है हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, और जब हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे? लगातार आप हर एक को, मैं तो हर एक को राय देता हूं कि इस टाइम पे आप सब लोगों को ये राय दीजिए, आपका एक रोल है, आपका एक बहुत बड़ा रोल है आजकल के जमाने में, आजकल के टाइम में, इस दिनों में, कि आप लोगों को राय दें, ताकि आप ये गैनोडर्मा किसी भी रूप में इसको लीजिए, अगर कैप्सूल ले सकते हैं कैप्सूल लीजिए, चाय पी सकते हैं चाय पीजिए, कॉफी पी सकते हैं कॉफी पीजिए, अपनी आर्थिक क्षमता के मुताबिक, ज्यादा ले सकते हैं ज्यादा लीजिए, आपका इम्यून सिस्टम जल्द ज्यादा डेवलप होगा। और जब इम्यून सिस्टम पूरी तरह डेवलप हो जाएगा तो आप इस कोरोना वायरस को आप क्या कहेंगे? दूरी रहना भैया, नजदीक मत आना, ये आपके नजदीक नहीं आ पाएगा। तो आप सबको मेरी शुभ इच्छाएं हैं कि प्रिकॉशन